नाजरीन आदाब, आज़ाद न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। ज़िले निज़ामाबाद बोधन म्यूनसिपालिटी दफ्तर में पट्टाना प्रगति प्रोग्राम AIMIM काउंसलरों की जानिब से बहस व तकरार पर बैकाट। इस मौके पर AIMIM के अल्ताफ रशीद समीर नवीद काउंसलरों ने बोधन RDO से शिकायत करते हुए म्यूनसिपालिटी अमला और चेयरमैन पर बरहमी का इजहार किया और इल्ज़ाम आयद किया कि किसी भी वार्डों में तरक्की कामों को अंजाम नहीं दिया गया। बजटों का ऐलान रहा लेकिन काम नहीं हुए। पट्टाना प्रगति प्रोग्राम से आवाम को धोखा दिया जा रहा है। बोधन से MA हलीम कुरैशी की रिपोर्ट। इस पट्टाना प्रगति दिन के तौर पर सबको मुबारकबाद देता हूं अंदर की मनम। हम जो है तेलंगाना के 2014 में हम नया तेलंगाना फॉर्म किए हैं। उसके बाद से 9 साल हमने यूं ही पूरे नहीं किए गए। इन 9 सालों में जो डेवलपमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट में जो हुए हैं उसके लिहाज से मैं कुछ बातें यहां पर रखना चाहता हूं। और ये जो 10वें म्यूनसिपालिटी सर म्यूनसिपालिटी के जो हाथ में जो काम चल रहा पटना प्रगति का जो चल रहा एक किनार के ब्रिज का पटना प्रगति का काम कंट्रैक्टर करने को राजी नहीं है। हमारे मीडिया वाले भी भाई यहाँ पर आए, सबसे गुजारिश कर रहे हैं हम ये पटना प्रगति जो प्रोग्राम है ये पूरे पट्टनम के अंदर, पटना प्रगति का मतलब पूरे शहर का डेवलपमेंट है ना, लेकिन बोधन में कुछ हिस्सों के ऊपर और कुछ मजहब के, बड़ी शर्मिंदगी के साथ बोलना पड़ रहा कि कुछ मजहब के मुखामों के पास ही डेवलपमेंट हो रहा, वहां पे प्रगति हो रही। मुसलमानों के जहां पर भी कब्रस्तान के मसाइल है, मुसलमानों के जहां पर भी वार्ड्स है, मस्जिद को जाने के रास्ते है, वहां पर जाने के लिए रास्ता नहीं है। पटना प्रगति में रोड नहीं डाल सकते बोल के बोल रहे। फिर वही यहाँ पे TRS के वाड़ा बता दू जहां पर पटना प्रगति से रोड डाले गए, यहाँ पर एक तरफा सुलूक किया जा रहा और जब भी आवाज उठाने की कोशिश हो रही हम लोगों को दबाया जा रहा, हमारे ऊपर केसेस किए जा रहे और RDO साहब से फिर से नुमाइंदगी करते हुए बोल रहे जितने मुस्लिम कब्रस्तान के काम पेंडिंग है वो मुस्लिम कब्रस्तानों के ऊपर बार बार नुमाइंदगी कर रहे लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। ये पटना प्रगति जो प्रोग्राम है ये खाली बोलन में खाली मनाने का है, कुछ भी प्रगति नहीं। आज पटना प्रगति के ताल्लुक से जो प्रोग्राम मनाया जा रहा है यहाँ पे, पटना प्रगति से कोई वार्डो में कोई काम नहीं हुआ अभी तक और जहाँ पे भी हुआ सिर्फ उनके फ्लोर लीडर या TRS पार्टी का प्रेसिडेंट या कोई उनका MLA का खास आदमी जहाँ पे बोला वहाँ पे काम हुआ। क्या सारे बोधन की पब्लिक, क्या हमारे MIM के वार्डों की पब्लिक, क्या MLA साहब को वोट नहीं डाली, क्या TRS को वोट नहीं डाली? नहीं, पटना प्रगति से कोई काम। TFIDC का एक फंड आया हुआ है डिस्ट्रिक्ट के तमाम हर जगह म्यूनसिपालिटीज में जैसा काम हो गया, हमारे पास में पेंडिंग है 16 करोड़ रुपए का काम पेंडिंग है जिसमें MLA साहब कम्युनिटी हॉल के वास्ते जैसे 3 करोड़ रुपए लगाए वो फाइल बार बार रिजेक्ट हो रही। ये फंड में कम्युनिटी हॉल नहीं लगाया जा सकता, ऊपर से फेल होके आ रही है, रिजेक्ट होके आ रही है वो फाइल। 8 महीने से म्यूनसिपालिटी में पड़े हुई है 16 करोड़ रुपए के काम। बरसात का मौसम है, आज अगर वो 16 करोड़ के ड्रेन और अगर रोड्स अगर बना देते तो आज पब्लिक को परेशानी ना होती।